अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जा रहे हैं गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज नाला खुर्द, जिधर आज मैच हो रहा है हामद क्रिकेट क्लब नाला खुर्द वर्सेस हुजरा जुहाना क्रिकेट क्लब। तो आज इंशाल्लाह दोनों क्लबों के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात होगी और आपको आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा आपके चैनल उकाड़ा 26 को। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी क्रिकेट की इसी चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अली मोजम चिश्ती, आप ही के यूट्यूब चैनल उकाड़ा 26 से। ये आपका चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, हुजरा जुहाना के प्रेसिडेंट हैं अजादार जाफरी साहब, बहुत ही अच्छे हमारे प्यारे भाई हैं और दोस्त हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आपने क्रिकेट का सफ़र कब स्टार्ट किया और हुजरा जुहाना की तारीख इनसे पूछेंगे। जी जाफरी साहब, उजरा जिम खाना का पहला नाम ड्रैगन क्रिकेट क्लब था जो हमने 2007 में स्टार्ट किया और तब से लेके अब तक जो है इसका सफ़र जारी है। और इसका नाम जो जिम खाना रखा गया है ये 2016 में रखा गया है। ऑनवर्ड जो है 2016 से अब तक जिम खाना ही चल रहा है। तो मैं बताता चलूं आपको कि जाफरी साहब ने एक अकेडमी स्टार्ट की है उधर, जो हुजरा के यंग टैलेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया कि अकेडमी स्टार्ट की है, उसमें नए लड़के आएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अकेडमी के बारे में पूछते हैं कि अकेडमी के क्या चार्जेज हैं और क्या उनकी फ़ीस है मंथली। जो हम एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं वो माह सितंबर से शुरू करेंगे, 1 सितंबर से उसका आगाज़ कर रहे हैं और उसका नाम हमने कैस्टल क्रिकेट एकेडमी रखा है। कैस्टल का मीनिंग है किला, हम क्रिकेट का किला बनाने जा रहे हैं हुजरा शाह मुकीम में। और उसमें हम अंडर 13 और अंडर 16 प्लेयर जो लेंगे और उनके एडमिशन फ़ीस जो है वो 1000 है और 2000 उनसे लेंगे पर मंथ। और उसमें हम जो शार्ट्स देंगे, मैच किट देंगे, नेट किट्स देंगे। तो आज आप मैच खेलने आए जी हामिद क्रिकेट क्लब रनाला खुर से, और अभी हम रनाला बॉयज़ कॉलेज में खड़े हैं, तो इस मैच की सूरत हाल भी हमें बताते चलें कि कितने ओवर्स का मैच है और उन्होंने पहले बैटिंग करते हो कितनी रन से की। ये 35 ओवर का मैच हो रहा है, इसमें हमने टॉस जीत के उनको पहले बैटिंग का मौका दिया है और उन्होंने 207 रन बनाए हैं। चेज़ कर रहे हैं हमारे और 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं और हमारी टीम जो है विन की जानब गामजन है। और आज के मैच में अभी कोई 50 या सेंचुरी किसी प्लेयर ने की है। हमारे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, ओपनर बैट्समैन अजहर फरीद वट्टू साहब, उन्होंने 74 किया है 51 बॉल पे, जबरदस्त, और बहुत ही अच्छा खेले हैं और पूरे मैच को साथ लेके चले हैं वो। हुजरा में जो क्रिकेट आप माशाल्लाह क्लब भी है एकेडमी भी है, इसमें आपकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, आपको उधर गाइड कौन कर रहा है और आपकी सपोर्ट कौन कर रहा है हुजरा में। पहले हमारा कोई भी सरपरस्त नहीं था, लेकिन जब से वो हल्का जुगनू मोहसन साहिबा के पास आया है, नजम सेठी साहब के पास आया है, तो अब हमें जुगनू मोहसन साहिबा सपोर्ट कर रही हैं और नजम सेठी साहब सपोर्ट कर रहे हैं। बार का इशारा देखना होगा जी, 4 रन। अजहर फरीद हैं जी बैटिंग पे, बॉलर है मोहम्मद इमरान। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे अजहर फरीद, लेकिन अच्छी बॉलिंग मोहम्मद इमरान की। किसी फिल्टर के लिए कोई मौका नहीं, अंपायर का इशारा जी, 4 रन। आ जा,
ताहिर शाकी सेना में बॉल को लेफ्ट कर दिया बैट्समैन ने और ये बाई के 4 रन। और इस तरह अजहर फरीद भट्टू की 50 रन मुकम्मल हुए, 50 मुकम्मल की अजहर फरीद भट्टू ने। वेल प्लेड, बड़ी उम्दा बैटिंग अजहर फरीद भट्टू की। निकल कर खेलना चाहते थे, अच्छा बॉल किया ताहिर शाह ने। अंपायर के इशारे के 4 रन। अंपायर के इशारे 4 रन, बड़ी जबरदस्त शॉट अजहर फरीद भट्टू की। जबरदस्त शॉट अजहर फरीद भट्टू, अंपायर का इशारा गया 6 रन से। अजहर भट्टू स्लिप हुए। अंपायर का इशारा देखना होगा जी, 6 रन। बड़ा जबरदस्त शॉट अजहर फरीद भट्टू का, बॉलर है मोहम्मद इमरान। बॉल लेफ्ट, इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं अजहर फरीद भट्टू, बड़ी उम्दा बैटिंग करते हुए हुजरा जुहाना के बैट्समैन। और ये बोल्ड हो गए हैं, वेल बोल्ड मोहम्मद इमरान। वेल प्लेड अजहर फरीद भट्टू जी। हमारे साथ हैं हाजी मुमताज साहब जो कैप्टन हैं हुजरा जुहाना के। आज हम इनसे पूछेंगे कि आज के मैच में जब आप टॉस करने गए तो आपका क्या जेन था, बॉलिंग करेंगे या बैटिंग? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले जी सबको अस्सलाम वालेकुम बोल दिया। तो जब मैं टॉस करने गया तो हमारी प्लानिंग थी कि हम टॉस जीत भी जाते ना तो पहले बॉलिंग ही डिसाइड करनी थी। तो जो है ना हमारे लिए ये बेटर हुआ कि उन्होंने खुद ही जो है ना वो हमें खुद बैटिंग करने की बॉलिंग दे दी, डिसाइड की बॉलिंग करने का कहा। तो जो मेरा टारगेट था ना कम से कम स्कोरों पे हम उनको आउट करें, तो माशाल्लाह हम मेरे लड़कों ने बहुत मेहनत की कीपिंग में इजीली, और हमने कम से कम स्कोरों पे उनको रोका। और इंशाल्लाह हमारी बैटिंग अब जारी है, इंशाल्लाह बच्चे जो है ना इंशाल्लाह स्कोरें भी करेंगे और मेहनत भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम मैच विन करेंगे इंशाल्लाह। ये बताते चले 166 रन हो चुके हैं और आई थिंक 20 ओवर हुए, तो मैच आई थिंक वन साइडेड जा रहा है। और दूसरा हम आपसे पूछेंगे कि जुहाना क्रिकेट की बेहतरी के लिए जूनियर्स को क्या करना चाहिए, लड़कों को? जी इसके लिए ये सब जो आज इन लड़के हम साथ जूनियर ले के आए हैं जी, जी सिर्फ इसीलिए ले के आए हैं कि ये आके इधर माहौल देखें, क्योंकि ना प्रेशर होता है अपने ग्राउंड में खेलना और बात होती है, बाहर आके फॉरवर्ड खेलना और बात होती है। जब जब बच्चे हमारे साथ आएंगे खेलेंगे, बाहर आके माहौल को एडजस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह मेहनत करें। आज काफ़ी लड़कों को पता चल गया है कि जो है ना जो बाहर जब जाते हैं ना तो इनको प्रेशर जो है ना वो बिल्ड करना होता है, हैंडल करना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं,
तो हमारा इंशाल्लाह जो है ना हुजरा के एरिया में इंशाल्लाह जो है हुजरा जमखाना का वो इंशाल्लाह यंग जनरेशन को जो है ना प्रोवाइड करना तो, और बच्चे हमारा साथ भी दे रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी बच्चे हैं जो जूनियर हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा तो जो है ना अच्छा थे अल्लाह इज़्ज़त देगा। अल्लाह इज़्ज़त तो उस बंदे को देता है जो मेहनत करता है, मेहनत पहले, क्योंकि जो ना खेलने से पहले जो हार पहले होती है जीत बाद में होती है, ठीक है। नामुमकिन को मुमकिन करना यही एक अच्छे प्लेयर की, अच्छे बॉलर की, अच्छे फील्डर की निशानी होती। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हैं हुजरा जमखाना के राइट आर्म लेग स्पिनर अली अमीर, जो बड़े अच्छे बॉलर हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि आपने क्रिकेट कब स्टार्ट की। जी अली। अस्सलाम वालेकुम। मैंने क्रिकेट 2015 में स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने 2016 में मैंने ट्रायल दी अंडर 19 के, डिस्ट्रिक्ट उखाड़ा में गया, वहाँ पे मुझे सिलेक्ट किया गया, वहाँ पे मैंने अंडर 19 खेली और 6 मैचेस में 35 विकेट हासिल किए उसके। जी, आपने जब डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेली उखाड़ा से, आपको आपका कहना है कि मुझे शेख सलीम साहब ने प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उसके बाद आप लाहौर काफ़ी क्रिकेट खेले, तो लाहौर में कौन कौन सी क्रिकेट खेले आप? लाहौर में मैं जाते सारे नज़र मोहम्मद का टूर्नामेंट खेला था, उसके बाद ही मुझे एनसी एकेडमी मिली वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, मुश्ताक अहमद के साथ और पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर थे उनके साथ अंडर 19 के कैंपों में और इंडोर और सब एनसी एकेडमी में मुझे मौका मिला, जहाँ पे मैंने अपने आप को और ग्रूम करने के लिए और लेग ब्रेक और गुगली सीखने के लिए मेहनत करता हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं एनसी जाता हूँ, वहाँ पर एक अच्छे कोच होते हैं। तो थैंक यू अली भाई। को आपसे हमारे साथ हैं सर हामद, जो हामद क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, हम इनसे आज पूछेंगे कि आपके आज मैच जो आपने हारा है हुजरा जमखाना से, इस मैच हारने की वजह क्या थी? जी सर। अली भाई बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और आज का मैच हम हारे हैं मेन फील्डिंग की वजह से, फील्डिंग बॉयज़ ने वैसी नहीं की जैसे हमें करनी चाहिए थी, उसके अलावा हमारे स्पिनर जो थे, जो हमारा मेन बॉलिंग होती थी पिछले कई मैचों से, आज उन्होंने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। आपके सामने था कि इमरान हमारा बहुत अच्छा स्पिनर है, आज उसे बिल्कुल बॉल स्पिन नहीं हुई, तो बाकी भी फास्ट बॉलर जो थे उन्होंने भी इतना अच्छा नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि फील्डिंग और हमारी स्पिन बॉलिंग की वजह से आज, और टोटल भी हमारा कुछ कम था, 50 रन ज़्यादा होने चाहिए थे जिसकी वजह से हम ये मैच लूज़ कर गए। थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ सर हामद, जो बता रहे थे कि फील्डिंग आज अच्छी नहीं और जो टारगेट था वो भी 50 रन कम दिया है। तो अब अली मौज़ूम को इजाज़त दीजिए, अपने चैनल उखाड़ा 26 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा ना भूलिएगा। थैंक यू जी। ये मैच जीत चुकी है हुजरा जमखाना हामद क्रिकेट क्लब नाला खुर से। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ मौजूद हैं आज के मैन ऑफ द मैच अज़र फरीद भट्टू, जिन्होंने 55 बॉल पर 74 रन किए। हम इनसे पूछेंगे कि इतनी गर्मी में आज ये मैच है तो आपने कैसे सर्वाइव किया? जी अज़र। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपने आके हमारे मैच की कवरेज की। तो दूसरा ये कि गर्मी हो या सर्दी हो, स्पोर्ट्स मैन ने तो खेलना है, जिस तरह के भी हालात हों इंशाल्लाह खेलेंगे। तो जब हम मैच खेल रहे थे तो क्या प्लान था आज के? आपने रन कुछ ज़्यादा नहीं, 35 ओवर में आपने 206 रन करने थे, तो प्लानिंग क्या थी आज आपकी? सबसे पहले प्लानिंग ये थी कि उन्हें कम से कम रन बनाने देने हैं, वो 208 पे आई थिंक आउट हो गई थी टीम, तो हमने हमारे पास जो 35 ओवर में 208 ये एक ईजी टारगेट था, और आराम से खेलते रहे, अल्लाह खैर करे और अब इंशाल्लाह जीत जाते। जी थैंक यू। ये थे हमारे साथ अज़र फरीद भट्टू, और आपके चैनल उखाड़ा 26 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।